हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसका जो सिलेबस दिया गया है यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जितना भी सिलेबस है उसका हम चैप्टर वाइज आपको इम्पॉर्टेंट बताएंगे। दोस्तों, ये वीडियो यूपी बोर्ड के लिए भी है और उत्तराखंड बोर्ड के लिए भी है। तो दोस्तों, जो यूपी वाले स्टूडेंट हैं और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं या आप सीबीएसई बोर्ड से यानी आपने 12th कंप्लीट किया है उनके लिए भी है। तो दोस्तों, अगर आप इतने क्वेश्चन को पढ़ लेंगे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में यानी आप केमिस्ट्री के अंदर बस इतने क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। यानी आप पासिंग मार्क्स भी पा जाएंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, यानी आपके जो एग्ज़ाम दिया जाएगा उसमें आपके क्वेश्चन जो है पढ़े हुए आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर करना। दोस्तों, जो अभी उत्तराखंड का डी फॉर्म सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, जितना भी हमने यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजी बनाया था पूरा एग्ज़ाम वहीं से आया है। अगर आपको देखना है तो दोस्तों, डी फॉर्म सेकेंड ईयर का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पीडीएफ डाला है तो आप देख सकते हैं, और डी फॉर्म फर्स्ट ईयर वाला एग्ज़ाम अभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगा। उसके बाद जो है हम आपको यानी कंप्लीट बता देंगे, यानी व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगा आपका डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की आल पीडीएफ 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपको जो है चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट बताते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए आपको एक क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, राइट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल्स, यानी जो फार्मास्यूटिकल्स में यानी आपकी इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं उनके क्या क्या सोर्स होते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ लें। लॉन्ग में आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर से, तो इस क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है 100%। और उसके बाद आपके यानी टेस्ट बहुत दिए हैं, मतलब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कई टेस्ट दिए हैं, तो जिससे दोस्तों हमने आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाया है, तो इससे जो है आपका सिलेबस थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब आपको कम पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप आर्सेनिक का ज़रूर पढ़ लें और आयरन और क्लोराइड, ये तीन टेस्ट आप पढ़कर एग्ज़ाम देने चले जाना, और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बस इतने क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपका 100% क्वेश्चन फंसेगा इसमें से। फिर उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकेंड। दोस्तों, चैप्टर नंबर सेकेंड जो है बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जो है इसमें भी हमने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे हैं, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इसमें आपको पढ़ना है पहला क्वेश्चन, राइट सोर्ट नोट ऑन एसिड बेस टाइट्रेशन। अगर आप टाइट्रेशन को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पढ़िए एसिड बेस टाइट्रेशन, और उसके बाद पढ़िए रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन आप पढ़ लेंगे और रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ लेंगे तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। अगर सॉल्ट में पूछता है तब भी आप डिफाइन कर देंगे, और लॉन्ग में पूछेगा तब भी आप डिफाइन कर देंगे। और उसके बाद आप एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, राइट सॉल्ट नोट ऑन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो कभी कभी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में सॉल्ट में पूछ लेता है, तो इस क्वेश्चन को अवॉइड नहीं करना है, अच्छे से पढ़कर जाना है। फिर दोस्तों, यानी आपका जो चैप्टर नंबर थर्ड है फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर नंबर थर्ड बहुत लॉन्ग दिया गया है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ लेना है डिफाइन हिमेटिनिक्स विद एग्जांपल, मतलब इसका आपको एक एग्जांपल या दो एग्जांपल को साथ में पढ़ लेना, कोई सा भी एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आपको डिफाइन एंटासिड विद एग्जांपल, एंटासिड की थ्योरी पढ़ लेना और उसके दो एग्जांपल को आप पढ़ लेंगे साथ में। व्हाट इज टॉपिकल एजेंट, टॉपिकल एजेंट क्या होता है, डिफाइन सुइटेबल एग्जाम्पल, यानी टॉपिकल एजेंट क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है, और साथ में सुइटेबल एग्जाम्पल के साथ में उसको पढ़ लेना है। तो दोस्तों, ये आपको तीन क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर थर्ड से पढ़ना है थ्योरी के रूप में, मतलब थ्योरी पढ़ना है, इनका एग्जाम्पल पढ़ना है। फिर आपके बहुत से कंपाउंड दिए हैं, तो उन कंपाउंड्स में से हमने कुछ कंपाउंड्स को छांटा है, तो इनको अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम में इन्हीं में से आपका जो है कंपाउंड रखा मिलेगा। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को देख लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, फेरस सल्फेट और एलम हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया और बोरिक एसिड। तो इतने कंपाउंड को अगर आप पढ़ेंगे, मतलब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेना, ये आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। तो दोस्तों, इतना आपको चैप्टर नंबर थर्ड से पढ़ना है, मतलब फर्स्ट चैप्टर से बताया, सेकेंड से और थर्ड से,
और जो चैप्टर नंबर 4 है वह एग्ज़ाम में आपका नहीं पूछा जाता, मतलब ना के बराबर यानी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, और जहाँ तक है इस बार भी कुछ नहीं पूछा जाएगा उससे। वह चैप्टर आपका इसलिए दिया गया कि आप यानी जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके चैप्टर नंबर 5, 6 और लास्ट तक उन क्वेश्चन यानी उनमें जो ड्रग दी गई हैं उनके आप स्ट्रक्चर को बना सकें, मतलब यानी उनके केमिकल नेम को आप लिख सकें। तो दोस्तों बहुत विस्तार का चैप्टर है, मतलब आप 12th, 11th और हाई स्कूल लेवल का पूरा पढ़ना होता है उसमें। तो अगर टाइम रहा तो हम पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे, आप देख सकते हैं वहाँ से। लेकिन दोस्तों अगर आप उसको नहीं भी पढ़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम में कोई भी घाटा नहीं होने वाला है। तो आप चैप्टर 5 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, आप एनेस्थेटिक एजेंट ज़रूर पढ़ें, एंटी साइकोटिक हो गया, एंटी डिप्रेसेंट हो गया। इसको कैसे पढ़ना है, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना, मतलब एनेस्थेटिक एजेंट की डेफिनेशन पढ़ना, क्लासिफिकेशन और जो हमने ड्रग के एग्जांपल दिए हैं उन दो एग्जांपल को पढ़ लेना, एक टॉपिक के दो एग्जांपल पढ़ने हैं आपको। मतलब डेफिनेशन पढ़ ली एनेस्थेटिक एजेंट क्या होते हैं, फिर क्लासिफिकेशन और दो ड्रग जो हमने स्टार्क मार वाली कराई हैं उनको पढ़ लेना है। तो ये आपको चैप्टर नंबर 5 के 3 टॉपिक को पढ़ना है। और उसके बाद चैप्टर नंबर जो 6 है, चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ेंगे कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग और एडिनर्जिक ड्रग, इनका फुल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और ड्रग का एग्जांपल पढ़ेंगे एक या दो। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 का इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे ही आपका चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, जितना आपको इंपॉर्टेंट बता दें आप उतना एग्जाम तक पढ़ते रहिए, 100% आप पास हो जाएंगे, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 7 आपका, इसमें आप पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको आप अवॉइड नहीं करेंगे, इसको ज़रूर पढ़ेंगे। साथ में एंटी एंजाइनल ड्रग को भी आप पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन और ड्रग के एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। तो दोस्तों ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 7 का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और उसके बाद 8, 9, 10, इसमें हमने एक एक क्वेश्चन को रखा है, आप एक एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे, मतलब जो है आपका एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम में आता है डिफाइंड डायरेटिक्स क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल, तो आप इतना पढ़ लेंगे डायरेटिक डेफिनेशन क्लासिफिकेशन, एक या दो ड्रग का एग्जाम्पल पूरा पढ़ लेंगे, मतलब उसमें ब्रांड नेम, क्लासिफिकेशन, मतलब जो केमिकल नेम, स्ट्रक्चर, इस प्रकार से आप ड्रग का एग्जाम्पल याद कर लेंगे। साथ में चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 में आपको पढ़ना राइट डाउन हाइपोग्लाइसमिक ड्रग क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल, तो आपको चैप्टर नंबर 9 में इतना पढ़ना है। और जो चैप्टर नंबर 10 है आपका डिफाइन एसिड्स इट्स क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या होती हैं इनको बताना होगा, क्लासिफिकेशन इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपका 100% एग्जाम के अंदर यानी लॉन्ग या शॉर्ट में क्वेश्चन जरूर आता है चैप्टर नंबर 10 से, तो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 11, 12 और 13, बस इतना टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे 11, 12, 13 तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 11 से आपको पढ़ना है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होते हैं, सल्फोनामाइड्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स, इनका क्लासिफिकेशन साथ में एग्जाम्पल पढ़ लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 से आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है राइट डाउन द एंटीबायोटिक इट्स क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल, और चैप्टर नंबर 13 में नियोप्लास्टिक एजेंट, तो नियोप्लास्टिक मतलब एंटी कैंसर ड्रग के बारे में पढ़ना होगा। तो दोस्तों इतने टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर तो आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। इतने टॉपिक को लगातार यानी 2 महीने अभी आपके एग्ज़ाम के हैं, इनको बार बार पढ़ते रहिए, इनका क्लासिफिकेशन का ड्रग लिखकर देखते रहिए, साथ में टॉपिक का यानी जो भी इंट्रो होता है उसको पढ़ते रहिए, और दो दो एग्जाम्पल ड्रग के पढ़ते रहिए, आपका 100% जो है पासिंग मार्क्स साथ में यानी परसेंटेज बनाने वाला मार्क्स एग्ज़ाम के अंदर जरूर आएगा। तो देव फार्मेसी का अगर इंपॉर्टेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथ साथ दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।